आज हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और इसके मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में। सबसे पहले हम मैटर के बारे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री के ऊपर चले जाएंगे। मैटर हम किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जिसके पास मास भी हो और वॉल्यूम भी हो, उनको हम कहते हैं मैटर। मास हमारे पास क्या है? किसी भी चीज़ के मकदार यानी क्वांटिटी को हम कहते हैं मास। वॉल्यूम क्या है? किसी भी सब्सटेंस की जगह घेरने की सलाहियत को हम कहते हैं वॉल्यूम, एबिलिटी टू ऑक्यूपाई स्पेस, यानी जगह घेरने की सलाहियत को हम कहते हैं वॉल्यूम। तो हर वो चीज़ जिसके पास मास भी हो और वॉल्यूम भी हो, उनको हम कहते हैं मैटर। अब हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं और उसके साथ साथ मैटर की कंपोजिशन, मैटर की स्ट्रक्चर और मैटर के अंदर आने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसके अंदर आने वाली चेंजेस के बारे में पढ़े, साइंस की उस ब्रांच को हम कहते हैं केमिस्ट्री। सवाल ये उठता है, कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? आपने ज़हन में रखना है, कंपोजिशन से मुराद कि मैटर किस चीज़ से बना है। इट व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, कंपोजिशन से मुराद कि मैटर किस चीज़ से बना है। और स्ट्रक्चर से मुराद मैटर की कंस्टिट्यूएंट की अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। कंस्टिट्यूएंट से मुराद बनाने वाला, तो मैटर की बनाने वाले की अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़े और मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़े यानी मैटर किस चीज़ से बना है, उसके साथ साथ मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े यानी मैटर की बिल्डिंग ब्लॉक्स की अरेंजमेंट के बारे में पढ़े और मैटर के अंदर आने वाली चेंजेस के बारे में पढ़े, तो साइंस की उस ब्रांच को हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब हम जाएंगे केमिस्ट्री के मुख्तलिफ ब्रांचेस के ऊपर। आपने याद रखना है कि केमिस्ट्री को हमने 7 से 8 छोटे छोटे ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। केमिस्ट्री का सबसे पहला ब्रांच हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हम किसे कहते हैं? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद क्या? ऐसे खसूसियात जो ज़ाहरी हो यानी हमें नज़र आए, ऐसे खसूसियात को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर कलर, शेप, उनकी मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें नज़र आता है या फिर उनको हम फील कर सकते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ मैटर का जिसको हम ऑब्जर्व कर सके या फिर फील कर सके, मैटर के ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी शेप, साइज, कलर के बारे में पढ़ें, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब मूव करेंगे केमिस्ट्री की दूसरी ब्रांच के बारे में। केमिस्ट्री की दूसरी ब्रांच हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं।
केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ी, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर हम किसे कहेंगे? ऐसे मटेरियल जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हो, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कार्बन एटम भी मौजूद हो और हाइड्रोजन एटम भी। तो ऐसे मटेरियल जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम दोनों प्रेजेंट हो उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिसाल के तौर पर हमारे पास रबर्ट है, प्लास्टिक है, हमारे पास ग्लूकोज है, चीनी जो आप घर में इस्तेमाल करते हो, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इनके अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़े, केमिस्ट्री के उस ब्रांच को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मूव करते हैं थर्ड ब्रांच के ऊपर। केमिस्ट्री की तीसरी ब्रांच हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किसे कहते हैं? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़े, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़े, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा दुनिया में बाकी जितने भी सब्सटेंसेस, जितने भी मटेरियल अवेलेबल है, उन सारे मटेरियल्स को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिवा बाकी जितनी भी चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं उन सब को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि हमारे पास है नमक वगैरह। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़े, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चौथा ब्रांच हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हम किसे कहते हैं? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम बायोमोलिक्यूल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ें, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम बायो मॉलिक्यूल्स और बायोकेमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ें, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब सवाल ये है कि बायो मॉलिक्यूल्स क्या हैं? वो लार्ज मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को बनाता है, उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल। आप खुद ऑब्जर्व कर लो, आपके बॉडी किस चीज़ से बना है? चर्बी से, ठीक है, प्रोटीन से बना है, डीएनए और आरएनए से बना है जिनको हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, विटामिंस। तो ये वो लार्ज मॉलिक्यूल्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को बनाता है। तो वो लार्ज मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को बनाए उनको हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल। मिसाल मैंने आपको किस चीज का दिया था? प्रोटीन का, इसी तरह फैट का। तो ये सारी चीजें हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स है। बायोकेमिकल प्रोसेसेस हम किसे कहते हैं? किसी भी जानदार के बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ, किसी भी जानदार के बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। मिसाल के तौर पर अगर हम प्लांट्स को देखें, प्लांट्स के बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे आप सब वाकिफ हो, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इसी तरह अगर हम एनिमल्स का मिसाल, खासकर इंसान का मिसाल ले लें, तो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है हमेशा, जिसका नाम है डाइजेशन। तो ये डाइजेशन या फोटोसिंथेसिस ये वो केमिकल रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो वो केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम बायोमोलिक्यूल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़े, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम एटम की न्यूक्लियस के बारे में पढ़ें और एटम की न्यूक्लियस के अंदर आने वाली चेंजेस के बारे में पढ़ें, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? न्यूक्लियस और उस चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर आता है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर आने वाले चेंजेस के बारे में पढ़े, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके बाद हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, लास्ट वन हमारे पास क्या है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ये पढ़े कि हम कैसे एक फ्रेंडली एनवायरमेंट, कैसे एक हेल्दी एनवायरमेंट क्रिएट और मेंटेन कर सकते हैं, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो हम कैसे फ्रेंडली एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, फिर उस फ्रेंडली एनवायरमेंट को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंडली एनवायरमेंट से मुराद एक हेल्दी एनवायरमेंट, एक ऐसा एनवायरमेंट जो पोल्यूशन से फ्री हो। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम पढ़े कि हम एक हेल्दी या फ्रेंडली एनवायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और फिर उस हेल्दी एनवायरमेंट अनपोल्यूटेड एनवायरमेंट को कैसे मेंटेन रखा जाए, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो आज हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री के मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में हमने